Hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर टैग सोनी। दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे और एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों तो दोस्तों आज तो है रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस भी, तो उस दोनों त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, व्हाट्सएप का फिंगरप्रिंट को कैसे आपको इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप ने भी हाल ही में एक जो कि अपना अपडेट निकाला है उसमें फिंगरप्रिंट को भी ऐड किया है, तो उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगा दोस्तों आपसे इस वीडियो में, और बताऊँगा कि उसको आप कैसे आप इजीली आप उसको इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस फीचर के लिए आपको अपने फ़ोन में लेटेस्ट आपको व्हाट्सअप का अपडेट होना जरूरी है, जो कि वर्जन है 2.1.9.2.2.1। तो यह वर्जन आपका होना जरूरी है, तो यह वर्जन आप अपडेट कर लेंगे दोस्तों तो इससे आपका जो कि फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेटिंग में। तो मैं बताता हूँ आपको कि आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं दोस्तों, तो देखते रहिए इस वीडियो को और आप जान पाएंगे कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट स्कैनर को इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा कि देख रहे हैं मैंने फिंगरप्रिंट इनेबल है तो टच करके अनलॉक किया, एंड आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यानी कि व्हाट्सएप की सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, आपको यहाँ पे अकाउंट का जो कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जाना है प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिखाई देने के बाद यहाँ पर अगर ऐसा डिसेबल होगा आपको, अगर पहली बार इनेबल कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद आपको एक बार फिंगरप्रिंट लगाना है और आपसे ये पूछेगा कि इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली अगर आप वो व्हाट्सएप ऑफ करते हैं तो इमीडिएटली, अगर आप 1 मिनट बाद चाहते हैं कि आफ्टर 1 मिनट यानी कि लॉक हो, या आफ्टर 30 मिनट, तो इसके लिए आप ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, यही था व्हाट्सएप का जो कि नया फीचर। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।